वो भी क्या दिन था जब लोग सिर्फ पोस्टर देखकर मूवी देखने जाते थे। बट एज पर एवोल्यूशन ट्रेलर आया, टीजर आया, सेकंड ट्रेलर आना शुरू हुआ, मोशन पोस्टर आया और पता नहीं क्या क्या आया, और अब उसमें एक और जोड़ लो प्रीव्यू। खैर मैं बात कर रहा हूँ जवान के 2 मिनट के प्रीव्यू के बारे में। और पहले मुझे ये बताओ कि इसे प्रीव्यू क्यों बोल रहे हो, इसे ट्रेलर क्यों नहीं घोषित कर रहे थे। बट जो भी है जैसा है देखकर तो अच्छा लगा। इसमें अच्छी खासी एक्शन देखने को मिलती है, एसआरके के 2-3 नए लुक्स देखने को मिलते हैं, और स्टोरी की बात करें तो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो अब रिवेलियन बन चुका है क्योंकि उसने अपने माँ से वादा किया था, और वो वादा क्या था ये तो मूवी में पता चलेगा। खैर वो रिवेलियन बन चुका है और वो अच्छे काम कर रहा है गलत तरीके से। अगर तुम्हें लग रहा कि ये कहीं तो सुना हुआ लग रहा है तो हाँ तुम सही हो, ये थोड़े बहुत गब्बर मूवी से सिमिलर है बट पूरा नहीं, बस उसकी कॉन्सेप्ट। और क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है तो उससे काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड ही बिकम अ बिग सेंसेशन इन द कंट्री क्योंकि काफी सारे लोग उसके तरफ भाग रहे हैं उसी की तरफ मास्क लगाकर। और हाँ इसकी अपनी एक टीम भी है जिसमें कुछ इसके एक्स आर्मी होंगे और कुछ नए रिक्रूट। खैर एसआरके के अलावा भी इस मूवी में और भी बड़े बड़े कास्ट हैं लाइक दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियमणि और सनाया मल्होत्रा। एंड इसमें संजय दत्त का एक एक्शन पिक कैमियो भी होने वाला है, विच मीन्स संजय दत्त हमें इसमें एक्शन करते हुए दिखेंगे। एंड थालापति विजय की भी एक कैमियो होगी जो कि मेरे को लग रहा है मे बी शायद वो पोस्ट क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा। और अगर इस टीजर की बात करें प्रीव्यू की बात करें तो इसमें मेरे को थोड़ी बहुत KGF एंड बाहुबली की वाइब आ रही थी कुछ एक सीन एंड सिनेमाटोग्राफी को देखकर। और इसमें साके का ये वाला लुक, ओ गॉड, ओ गॉड। और ये मेट्रो में उन्होंने जो डांस किया है ये कहीं न कहीं मेरे को दिल्ली मेट्रो की याद दिला रही है, मतलब मेकर्स ने दिल्ली मेट्रो वाला मीम को अच्छा से यूज किया है, इफ यू नो यू नो। बाय द वे डांस एंड म्यूजिक भाई दोनों बहुत कैची था। एंड फाइनली ये ककून वाला सीन जहाँ एसआरके की पूरी बॉडी पे बैंडेज लगी हुई है, दिस में बी द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी जहाँ एसआरके बिल्कुल ही अलग अवतार में दिखेंगे। और अगर तुमने कंग फू हसल मूवी देखी है तो वहाँ भी कुछ लास्ट में ऐसा ही देखने को मिलता है जहाँ मेन कैरेक्टर ककून से रिबॉर्न होता है और अपने नए पावर को अनलीश करता है। शायद एटली हमें वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक नए वे में। ओवरऑल बोलूं तो ये टीजर मुझे और नहीं यार सॉरी प्रीव्यू मुझे काफी पसंद आई। इसका जो काम था हाइप क्रिएट करना वो बखूबी करती है। खैर तुम्हें ये प्रीव्यू कैसा लगा और क्या एक्साइटमेंट है तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। ओके देन टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, बी सेक्सी एंड कीप वाचिंग सीके सिनेमैटिक यूनिवर्स।